नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ये आग कब बुझेगी? राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन में कई घंटों से लगी आग अब बेकाबू हो चुकी है। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। भवन की तीसरी मंजिल पर आग लगी थी। धीरे धीरे आग ने पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया। कई रिकॉर्ड जल गए, कई अहम दस्तावेज खाक हो गए, करोड़ों का फर्नीचर भी स्वाहा हो गया। राज्य सरकार ने आग लगने की वजह बताई है शॉर्ट सर्किट। आग बुझाने में सेना जुटी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की फायर सर्विस तैनात है, BHEL की टीम भी लगी है, CM शिवराज भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। CM शिवराज ने जांच कमेटी बनाई है जो कारणों का पता करेगी और जांच रिपोर्ट CM शिवराज को सौंपी जाएगी। कमेटी में SES होम, राजेश राजौरा, PS अरबन, नीरज मंडलोई, PSPWD, सुखवीर सिंह, ADG फायर को शामिल किया गया। तो वहीं इस मामले को लेकर CM शिवराज ने PM मोदी से भी फोन पर चर्चा की है, फोन पर बात की है। सतपुड़ा में आगजनी की घटना की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तो बात अब हाईकमान तक पहुंच चुकी है। CM शिवराज ने PM मोदी से फोन पर चर्चा कर ली है इस घटना को लेकर और PM मोदी ने केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है। रक्षा मंत्री से भी CM शिवराज ने बात की है। रक्षा मंत्री से बात कर आग बुझाने एयरफोर्स की मदद मांगी है। रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स को आदेश दिया है, आज रात AN-32 विमान और MI-15 हेलीकॉप्टर भोपाल पहुंचेंगे। सतपुड़ा भवन में ऊपर से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह से भी बातचीत की है CM शिवराज ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की है और एयरफोर्स को आदेश दिया है रक्षा मंत्री ने। विमान और हेलीकॉप्टर आएंगे, उनसे पानी की बौछारें की जाएंगी भवन पर। और इसी के साथ ही CM शिवराज ने अमित शाह से भी बातचीत की है। गृहमंत्री अमित शाह से भी चर्चा हुई इस घटना को लेकर। तो PM मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से CM शिवराज ने बात की है इस घटना को लेकर। तो आग अभी भी लगी है, आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। काफी घंटे बीत चुके हैं, 6 से 7 घंटे बीत जाने के बाद भी आग अभी तक नहीं बुझ पाई। भवन की तीसरी मंजिल से आग लगना शुरू हुई। धीरे धीरे इस आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे भवन को अपने चपेट में ले लिया। आग ने पूरे भवन में फैल गई। काफी दिक्कतें यहां पर आई दमकल की टीम को। कई बार पानी खत्म हुआ, दूसरी बार कई टैंकर्स भी बुलाए गए और जहां आग लगी थी वहां तक पानी की बौछारें या पानी नहीं पहुंच पा रहा था। ये भी एक बड़ी वजह है कि अभी तक आग नहीं बुझ पाई है। और भवन में शीशे भी लगे हुए हैं, ग्लासेस भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से पानी वहां तक नहीं पहुंच रहा था। पहले एक ग्लासेस तोड़े गए, फिर उसके बाद पानी वहां पर पहुंचाया गया, ये भी एक वजह। और फायर सेफ्टी सिस्टम पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है घटनास्थल आपको लिए चलेंगे। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी, फिलहाल क्या अपडेट अभी? देखिए, अभी तक 4 बजे से जो आग लगी थी अभी तक 11 बज चुके हैं, 7 घंटे हो चुके हैं, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्होंने लगातार सभी अफसरों से लेकर और उन्होंने अभी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मंत्री विश्वास सारंग, दोनों कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौके पर हैं और वो लगातार समीक्षा कर रहे हैं और जिस तरह की भी आग के बाद की घटनाएं उसको लेकर कारणों को लेकर या जो भी निर्देश देना है वो कर रहे हैं। अभी देखिए मुख्यमंत्री
मंत्री ने थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की और उन्होंने लगातार उनसे बात करने के बाद ये सीएम सक्रिय हैं, मॉनिटरिंग के साथ ही मदद मांगी है और उसके बाद ये जानकारी मिली है कि अब उसके बाद यहाँ पर दो हेलीकॉप्टर, सेना के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए आने वाले हैं। अभी तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका, अभी भी छठी मंजिल आप देखेंगे तो अभी भी छठी मंजिल धधक रही है। आप देखिए धुएं का गुबार चारों तरफ आपको नजर आ रहा होगा और अभी आगे के हिस्से में हम हैं, अभी जिस हिस्से पर खड़े यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में आग जलती है फिर बुझ जाती है और जैसे ही आगे की तरफ, लेकिन थोड़ा आगे हम देखते हैं तो वह फ्लोर पूरी तरीके से अभी भी आग की चपेट में है, वहाँ पर आग बुझाना अभी भी मुश्किल हो रहा है। जबकि सेना लग चुकी है, सेना के दो फाइटर आ चुके हैं जो लगातार उनके निर्देशन में वो ऊपर से सारा निर्देश देकर आग को किस तरह बुझाना है वो प्रयास कर रहे हैं। सेना के संसाधन हाइड्रोलिक, एयरपोर्ट प्रशासन का हाइड्रोलिक वाहन आ चुके हैं, फायर ब्रिगेड की तमाम, अभी तक करीब 40 से ज़्यादा दमकलें पानी आग बुझाने के लिए पानी के टैंकर लग चुके हैं पर अभी भी आग लगातार अभी भी कहीं ना कहीं धधक रही है। सबसे बड़ी चिंता की यही बात है कि किसी न किसी हिस्से में फिर आग धधक जाती है, तो क्योंकि ये इमारत बहुत बड़ी है तो तीसरा माला से जो आग शुरू हुआ था, चौथी, पांचवी, छठी, अब छठी मंजिल पर पूरी आग है तो आपको देखो धुआं चारों तरफ से नजर आ रहा होगा। और सबसे बड़ी चिंता की यही बात है कि हर किसी हिस्से में जो टावर है जो मंजिल का, ये देखिए अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह सेना का ऑपरेशन चल रहा है, किस तरह से सेना के वाहन से पानी पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए आप सैनिक सेना लगी हुई है और यहाँ से लगातार ये पाइप के जरिए आगे पानी पहुंचाया जा रहा है और जो बड़े फायर फाइट उपकरण हैं उनके जरिए पानी पहुँचाया जा रहा है और यही प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे भी आग पर काबू पाया जा सके। और हम आपको दिखाते हैं, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये वाहन है, ये जो स्पेशल विशेष अभियान में ही काम आता है, आज इसे लगाया गया है और इस तरह की कम से कम पांच बड़ी दमकलें जो लगी हुई है, हाइड्रोलिक, ये सीढ़ियाँ देखिए आप, हाइड्रोलिक सीढ़ियाँ, हाइड्रोलिक जो वो उपकरण लगाए गए हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं और देखिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ तो आप देखिए ये पूरा सेना का, ये यहाँ से सेना के वाहन है, ये यहाँ से फायर ब्रिगेड की दमकल है, यहाँ से पानी पहुँचाया जा रहा है। अब सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि यहाँ से ऊपर तक पहुँचाने में 6 मंजिल है तो यहाँ से हाइड्रोलिक जो है वो ऊपर की तरफ लगा है और ये देखिए आप, ये देखिए आप, अब यहाँ से आपको मैं नज़ारा यहाँ से दिखाता हूँ कि आप किस तरह से या हमारे कैमरामैन देखिए ऊपर सेना के वाहन, ठीक है, नजर बनाए रखिए आप शैलेंद्र, आपसे हम अपडेट लगातार लेते रहेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, नीमच में जलकर खाक हुई है कार, चलती कार में अचानक से आग लग गई, सभी कार सवारों ने कूद कर अपनी जान बचाई। एक परिवार सफर कर रहा था कार में, सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि कोई जनहानि इस घटना में नहीं हुई है, अचानक से चलती कार में आग लग जाती है, समय रहते कार सवार सभी कार से बाहर आ जाते हैं। वहीं बैतूल में युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई, समता एक्सप्रेस ट्रेन में युवक की बेरहमी से पिटाई हुई है, चोरी के संदेह में यात्रियों ने युवक को पीट दिया, घायल युवक को आमला स्टेशन पर उतारा गया, युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। रायपुर का रहने वाला युवक नागपुर से उज्जैन जा रहा था, आमला आरपीएफ मामले की जांच कर रही है, नागपुर से आमला के बीच ये वारदात हुई। राजधानी भोपाल में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, बीच सड़क पर ही युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा की आसन की, युवक ने ब्लेड से खुद को लहूलुहान कर लिया, जख्मी कर लिया, पुलिस पर भी युवक ने हमला किया है, पुलिस ने युवक को हॉस्पिटल पहुंचाया, पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर ग्वालियर में बदमाशों की दबंगई देखने को मिली, जनरल स्टोर में घुसकर बदमाशों ने मारपीट कर दी, गोली का मंदिर थाना क्षेत्र के पिंटो पार्क इलाके घटना है, लाठी डंडों से लैस होकर बदमाश पहुंचे, जमकर मारपीट की तोड़फोड़ की, दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हुई है।
सीसीटीवी के आधार पर पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। इंदौर के संयुक्तागंज थाना इलाके के पारसी मोहल्ले में रहने वाली कॉलेज छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया। छात्रा लंबे समय तक चाइल्ड लाइन में रहती थी, उसके माता पिता का कभी पता नहीं चला। चाइल्ड लाइन से ही उसे सड़क से रेस्क्यू किया था चाइल्ड लाइन ने। फिलहाल वो पारसी मोहल्ले में किराए से कमरा लेकर रह रही थी और पढ़ाई कर रही थी। ग्वालियर में फिर से हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। जन्मदिन पर एक युवक ने हर्ष फायरिंग की। एक युवक फायरिंग करता हुआ नजर आया, भीड़ के बीचों बीच फायरिंग करता युवक दिखा। पिस्टल से हवाई फायरिंग कर रहा था युवक। जनकगंज थाना के ढोलीबुआ के पुल की घटना है। फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। देवास से बड़ी खबर है, जहां माता टेकरी पर रोपवे का तार फिर रिंग से उतरा है। तेज आंधी की वजह से तार रिंग से उतरा, रोपवे पर कोई मौजूद नहीं था। महज 15 मिनट की बारिश और तेज हवा में तार रिंग से उतरा। मेंटेनेंस के बाद भी रोपवे फिर शुरू हुआ और रोपवे पर फिलहाल कोई बैठ नहीं रहा है। तेज आंधी की वजह से 15 मिनट की बारिश में तेज हवा में तार रिंग से उतर गया। मेंटेनेंस के बाद रोपवे फिर से शुरू हुआ, हालांकि रोपवे पर फिलहाल कोई बैठ नहीं रहा। वहीं ग्वालियर में डॉक्टर ने हंगामा किया। मुरार जिला अस्पताल में नशे की हालत में जमकर हंगामा किया। सिक्योरिटी गार्ड और अन्य स्टाफ से बदसलूकी की। गार्ड से डॉक्टर साहब झूमा झटकी करते हुए नजर आए। जिला अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल है। डॉक्टर का नाम विनोद कुमार पाथम बताया जा रहा है। सर 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 जूनियरों को और स्टाफ को क्यों मार रहे हो यार? सर स्टाफ को क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो स्टाफ को? आप स्टाफ को क्यों मार रहे हो? इतने सर दारू क्यों पीते हो हॉस्पिटल में? ये हॉस्पिटल स्टाफ में डॉक्टर विनोद पाथम, डॉक्टर वी के बाथम, ये नशे में। हरदा जिले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। जिले के डगवा शंकर गांव के किसान राजेश करोड़े की हत्या के मामले में खबर दिखाए जाने के बाद चार लोगों सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज हुई है। कल मृतक किसान राजेश का आत्महत्या के पहले का वीडियो सामने आया था, जिसमें किसान कर्ज का पूरा हिसाब किताब बताकर तीन लोगों पर परेशान करने की बात कह रहा था। सिराली थाना पुलिस ने चार लोगों पर नामजद सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया। परिजनों के कथन, मृतक के मोबाइल से प्राप्त जानकारी के आधार पर चार लोग जिनमें दुर्गेश कुशवाहा, साबिर खान, कालू चाचा और बुद्धू बलाई, सभी निवासी डगावा शंकर सिराली के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा 306 34 भादवी एवं 3-4 मध्य प्रदेश रिनियों का संरक्षण अधिनियम के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध। ग्वालियर में पड़ाव थाना इलाके के एक रेस्टोरेंट में दो बदमाशों पर रेस्टोरेंट में मारपीट हुई। तोड़फोड़ और रंगदारी मांगने के आरोप लगे हैं। इस मामले में बदमाशों ने पुलिस पर रौब झाड़ने के लिए ऊर्जा मंत्री के बेटे रिपु दमन सिंह का नाम भी लिया। ऊर्जा मंत्री ने एसपी से इस मामले में उनके बेटे का नाम इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। बार बार जो बताया जा रहा है और कि इसमें बार बार उनका किसी राजनीतिक व्यक्ति के नाम लिया जा रहा है और एक स्वाभाविक यहाँ की प्रवृत्ति है इस क्षेत्र में, लोग बाग राजनीतिक व्यक्ति का नाम लेते हैं और यदि इस तरीके से कोई कर भी रहा है तो हम उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। देखिए मेरा आग्रह स्पष्ट है कि
जो भी बात है एसपी को उसकी शिकायत की गई है, एसपी को उसको कहा गया है। आज जैसे कोई आदमी ये कहे कि मैं फलाने को फोन करके मैं ऐसा करा दूंगा, तो इसको तो मैं नहीं रोक सकता। टीकमगढ़ से खबर है जहां एक हॉस्टल संचालक का घिनौनी करतूत करने का मामला सामने आया। हॉस्टल संचालक ने हॉस्टल की दो छात्राओं को अपना शिकार बनाया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करते हुए एक छात्रा के भाई ने देख लिया और पूरे मामले की शिकायत परिजन से की, जिसके बाद जब पूछताछ की गई तो दो छात्राओं ने अपने साथ हुई दरिंदगी की बात परिजन को बताई। परिजन ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। गांव में एक पुष्पा कोचिंग सेंटर के नाम से एक हॉस्टल कम कोचिंग संस्थान चलता था, जिसके संचालक था कुलदीप और सुदीप। तो सुदीप यादव जो है उसने नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म किया है और उस संबंध में पुलिस ने FIR दर्ज की है और आरोपी को गिरफ्तार किया है और इस प्रकरण की विवेचना की जा रही है। सभी बच्चों को मानवीय दृष्टिकोण दिखाते हुए पुलिस ने उनके पेरेंट्स के सुपुर्द किया है। खंडवा में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड को बेरहमी से पीट रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक शख्स हाथ पकड़ रहा है तो दूसरा जमीन पर पटक पटक कर लाठियों से चला रहा है। सिक्योरिटी गार्ड का नाम दीपक राजपूत बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 57 साल। डॉक्टर सतीश श्रॉफ के बंगले में ये सिक्योरिटी गार्ड है। ये मामला 30 और 31 मई के दरमियानी रात का, जब सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर था तब पास में रहने वाले एक होटल के मालिक SMP ग्रोवर और साथ ही पेट्रोल पंप संचालक अभिषेक जिंदल वहां पहुंचे और मारपीट की। जैसे ही सूचना मिली थी उस पर तत्काल ही प्रकरण पंजीकृत किया गया था। आरोपी उसको चिन्हित है, लेकिन उसके बाद जो वीडियो आया है उस वीडियो को देखने से दिख रहा है कि उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की, उसको धक्का दिया और उसके सिर पे भी कुछ चोटें हैं। क्योंकि ऑलरेडी वो क्या कहते हैं अभी अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है, तो कल ही मैंने इसमें निर्देश दिए हैं कि तत्काल ही डॉक्टर से उसकी क्वेरी कराई जाए, चोटों की प्रकृति पे क्वेरी करा के और सारे घटनाक्रम में उन चोटों के हिसाब से क्या धाराएं बनती हैं उन गंभीर धाराओं का समावेश करते हुए उसमें कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में आप देखेंगे स्पष्ट है उसमें जो लोग हैं इतने लोग चिन्हित हैं। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अचानक उमरिया पहुंच गए। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कटनी जिले के हरिहर तीर्थ जा रहे थे, लेकिन अचानक उनका हेलीकॉप्टर उमरिया की हवाई पट्टी पर लैंड हुआ। जैसे ही भक्तों को यह सूचना मिली बड़ी संख्या में लोग बाबा के दर्शन के लिए पहुंच गए। थोड़ी देर में बाद बाबा बागेश्वर सरकार कटनी के लिए रवाना। लोकप्रियता काफी ज्यादा है पूरे देश में, हम कह सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अचानक जब वो उमरिया पहुंचे लोगों को इसकी जानकारी लगी तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए, सेल्फी लेने की होड़ मच गई। रायपुर में सजे न्यूज 18 के बेहद खास मंच ओपन माइक पर सीएम भूपेश बघेल ने कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। बजरंग दल पर बैन, लव जिहाद, रमांतरण, शराबबंदी, परिवारवाद जैसे कई मुद्दों पर सीएम भूपेश बघेल खुलकर बोले। तो आइए देखते हैं ओपन माइक पर सीएम भूपेश बघेल का बेबाक अंदाज। आप रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज 18 का बेहद खास मंच ओपन माइक, मेहमान भी बेहद खास। रायपुर में सजे विकास की चर्चा के इस अनोखे मंच पर सीएम भूपेश बघेल से लेकर प्रदेश की जानी मानी हस्तियों ने अपने मन की बात शेयर की। ओपन माइक के मंच पर सीएम भूपेश बघेल ने बजरंग दल, लव जिहाद, धर्मांतरण, शराबबंदी, चुनाव सहित कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग दल पर बैन के मुद्दे पर जोरदार सियासत हुई थी।
सीएम भूपेश बघेल से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि बजरंगबली के नाम से गुंडागर्दी नहीं कर सकते। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बजरंगबली ने दिखा दिया कि वो किसके साथ हैं। बजरंगबली के नाम से आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते। बजरंगबली ने दिखा दिया अभी किसके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब बजरंगबली का नारा लगाए और रिजल्ट आया तो बजरंगबली सत्य के साथ हैं, धर्म के साथ हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर अक्सर विवाद खड़ा होता है। बीजेपी प्रदेश सरकार पर आरोप लगाती है। ओपन माइक के मंच पर सीएम भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की ओर से थोपा गया मुद्दा है। सीएम ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि उनके 15 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्च बनाए गए है कि धर्मांतरण का मुद्दा जो है ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा थोपा गया मुद्दा है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब चुनौती देता हूं और महीनों से दे रहा हूं कि 15 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने तो चुप हो जाते हैं। प्रदेश में शराबबंदी पर लंबे समय से सियासत जारी है। बीजेपी इसे लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाती रही है। ऐसे में सरकार इस पर क्या सोचती है, शराबबंदी पर सरकार का क्या है प्लान, सीएम भूपेश बघेल ने इस पर भी अपनी बात रखी। ये तो लैंडलॉक स्टेट है, 7 राज्यों से घिरा हुआ है, तो ऐसे में यदि बंद करेंगे तो हाल गुजरात जैसे या बिहार जैसे जिसमें दर्जनों लोगों को मौतें हो रही है और एक बार नहीं कई बार हो रही है, तो भाई मैं ऐसी कोई योजना नहीं लागू करूंगा जिससे लोगों की जान जाए, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो चाहे नोटबंदी की बात हो। आपने देखा कितने लोगों की जाने गई, कितने लोगों का रोजगार गया, तो मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। जरूर मैं कह रहा हूं कि हमने घोषणा पत्र में डाला है और हम अभी भी उस वादे से अडिग हैं, लेकिन ये सामाजिक बुराई है और समाज के अभियान चला के इसको दूर करने का काम होना चाहिए। इन अहम मुद्दों के साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल, राजनीति में परिवारवाद, विधानसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। ओपन माइक के मंच से सरकार की सोच जनता के सामने रखी। इस मंच पर सीएम भूपेश बघेल के अलावा सिंगर सुमेधा, ट्रांसजेंडर क्वीन वीना, पिपली लाइव एक्टर ओंकार दास, मंत्री मोहम्मद अकबर, अनिला भेड़िया, आईपीएल प्लेयर हरप्रीत भाटिया, माउंटेनियर चित्रसेन और मशहूर छत्तीसगढ़िया सिंगर सहदेव भी अपने मन की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।